जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आजकल बहुत सारे फ़ोन में स्क्रीन फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। किसी भी ब्रांड का फ़ोन हो, कोई ना कोई फ़ोन में आपको स्क्रीन फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके फ़ोन में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को पूरा देखो। मैं इस वीडियो में एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक दिखाने वाला हूँ, जिसको अगर आप यूज़ करोगे तो आपका स्क्रीन फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपके पास Xiaomi का फ़ोन है तो Xiaomi के लिए मैंने एक अलग ट्रिक दिखाया हूँ अलग वीडियो पर, उस वीडियो का लिंक आई बटन में है, जाओ जाकर वहाँ पर देख लो। क्योंकि अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आपका फ़ोन अनस्टेबल हो जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि Xiaomi यूज़र्स उस वीडियो पर जाओ, वहाँ पर ट्रिक है अलग सा। और मेरे पास Samsung का फ़ोन है, Samsung M21, इसलिए मैं श्योर हूँ कि Samsung के फ़ोन में तो ये एकदम से बढ़िया से काम करेगा। लेकिन Oppo, Vivo, Realme इन सभी फ़ोन में मैंने ट्राई करके नहीं देखा। तो आप लोग एक बार ट्राई करो और देखो कि काम करता है कि नहीं, और मुझे कमेंट सेक्शन पर बताओ। और जो लोग सोच रहे हैं कि ये रियल वीडियो है कि नहीं, तो आप यहाँ पर देख लो कि मेरे फ़ोन में भी थोड़ा सा स्क्रीन फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम था। और जब मैंने इस ट्रिक को अप्लाई किया उसके बाद कुछ रिजल्ट ऐसा देखने को मिला, मतलब स्क्रीन फ्लिकरिंग पूरा गायब हो चुका है। और स्क्रीन फ्लिकरिंग दो टाइप का होता है, एक विजिबल होता है एकदम से आप आँखों से देख पाओगे, और दूसरा होता है कि आप आँखों से नहीं देख पाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट अगर आप शूट करने जाओगे कोई दूसरे फ़ोन के कैमरा से, तब लो ब्राइटनेस में आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा स्क्रीन फ्लिकरिंग। और ये प्रॉब्लम मेरे फ़ोन में था और मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है और कैसे इसको यूज़ करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका कोई भी टाइप का स्क्रीन फ्लिकरिंग है फिक्स हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्रिक में आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि एप्लीकेशन के बिना ये हो नहीं सकता क्या, तो मेरा सिंपल आंसर है कि नहीं, नहीं हो सकता। आपको एक एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है, इसलिए सेफ भी है। इस एप्लीकेशन का नाम है OLED सेवर। आपको इसको डाउनलोड करना है, उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और जितना भी सेटअप है आपको सबसे पहले उसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद एक खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। देन अगर आप फिर से उस एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहला है एनेबल सर्विस। जब आप पहली बार इसको एनेबल करने जाओगे तो कुछ परमिशन है जिसको आपको सबसे पहले अलाउ करना है। उसके बाद आप जब इसको एनेबल करोगे तो आपका स्क्रीन फ्लिकरिंग सॉल्व हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक था, आपने जैसे कि देखा कि बहुत ही सिंपल सा ट्रिक से, वन टच से आपका स्क्रीन फ्लिकरिंग सॉल्व हो सकता है। बट इसका डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि ये क्योंकि बैकग्राउंड में ये रन होता रहेगा, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बैटरी बैकअप कम देखने को मिले। तो अगर आपका बैटरी बैकअप सही दे रहा है और उसके बाद आपका स्क्रीन फ्लिकरिंग हो रहा है और स्क्रीन फ्लिकरिंग आप सॉल्व करना चाहते हो, तो आप इस ट्रिक को यूज़ करो, आपका स्क्रीन फ्लिकरिंग एकदम से सॉल्व हो जाएगा। और जैसे ही मैंने कहा कि मेरे पास क्योंकि Samsung का फ़ोन है और दूसरे कोई ब्रांड का फ़ोन मेरे पास अभी नहीं है, तो इसीलिए मैंने बाकी सारे ब्रांड पर इसको टेस्ट नहीं कर पाया। तो आप एक बार टेस्ट करो और देखो कि आपको कैसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, सॉल्व होता है कि नहीं, और मुझे कमेंट सेक्शन पर बताओ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन लोगों को विश्वास नहीं होता कि उन लोगों के फ़ोन में ये काम करेगा कि नहीं। तो आपका ब्रांड का नाम लिखकर नीचे बताओ कि हाँ वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, दोनों ही आप लिखकर बता सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक था जिससे आप स्क्रीन फ्लिकरिंग को सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल में हैं। पिछले हफ्ते बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, और एक नया सीरीज स्टार्ट किया था मैंने पिछले हफ्ते जो था टेक फैक्ट। अगर आप देखना चाहते हो तो जाओ जाकर देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।